पढ़, इस तरीके से नमाज पढ़, इस तरीके अपने स्वर्ण के बाद पढ़। एक बात यह बताइए, आपकी बीवी है, अब तो कुछ नहीं किया ना उसको, बनाया उनाया कुछ नहीं बनाया, नहीं किया ना, श्री बोल इकरार की कि ये मेरा शोहर है, इतनी ना बात है, सारी कुछ अल्लाह पाक ने बनाया। और उसके बाद इतने इकरार करने के बाद भी अगर वो थोड़ा थोड़ी सी गलती कर ले तो अब मियाँ जी का वो शक खुल जाता है, थोड़ी सी बात अगर ना माने तो क्या बात, वो सता है कि नहीं आता है। और अल्लाह पाक सारे कुछ किया और सारे कुछ किया, उसके बाद नहीं मानो तो अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा ना। आ रही बात समझ में, समझिए बात को, सिर्फ ये देख के नहीं जाएगा दम साहब या मोदी साहब का दम तीरे झाड़े, अरे झाड़े के लिए तो पालो की रखी रहता है। तो आज हम सबको यह हक करे कि इंशाअल्लाह रहमान अपने माँ बहन को पर्दा वाला लिबास पहनाएंगे, पहनाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाथ तो उठाए भाई, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, यहाँ से जाए और प्यार से मोहब्बत से उसको समझाए, एक दूसरा पर्दा वाला लिबास पहन लेगी ना तो दूसरा मौका वो आप ला के देंगे ना, तो ऐसा सुन लो हमारा अपना औरत ना भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अज़वाज मुतहरात में से रोटी बना रही थी, क्या बना रहे थे भाई, रोटी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सुबह से आए, आके चूल्हा कम आके फूंक लगाया, क्या लगाया, फूंक लगाया। और हमेशा उनका दस्तूर था, जलाव नहीं है तो जलाव ला के देगा और पानी नहीं है तो पानी ला के देगा, देगा ना। हाथ बटाते थे उनके कामों पे, अपने औरतों के कामों पे हाथ बटाते थे, हाथ बटाते थे कि नहीं, तुम भी बटा रहे हो, सुन्नत के दावेदार बोलो, बटाएंगे इंशाअल्लाह। वो लेकर परेशान है तो तुम उसके बच्ची को, बच्चा को जो है उसको अपने गोद में लो, प्यार मोहब्बत से वगैरह वगैरह करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमको कहने सुनने की ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और यहाँ एक बात और हम लोग ज़हन के अंदर बसा रहे हैं कि जब तक उलमा किराम की बात होगी नियत अमल की नियत से सुनने की कोशिश करें। وما علينا عند البلاغ السلام عليكم